वाले समझ गए कि शायद हुकूमत फिर श्रीनगर जाएगी। वो डरे हुए थे कि हुकूमत हो सकता है फिर श्रीनगर के पास जाए। तो आजाद साहब के आने से वो भी खुश हैं, जैसे कहते हैं ना डोगरी में कि अगर घी जा तो मेरे पास रहेगा, अगर घेरेगा तो मित्र के भांडे में जाएगा। तो ये मित्र के भांडे में घी हो जाए करता है। आजाद साहब ने तो बनना ही बनना, पर असी पिछे नहीं रही जाइए कि असी उनकी सीट नहीं दे पाइए तो असी किस मुंह कन्ने उनके मत्थे लगना। 40 साल तो साड़ी खिदमत करे करते हैं, असा दिता कि अज के दिन तक कुछ नहीं दिता। एम पी आए तो रहे, 2.5 साल CM रहे, फिर कश्मीर वाले उनके कन्ने धोखा फरेब किया, इस्तीफा देना पिया। ये मौका इस वेले उनकी सामभन का, उनकी वोट देने का और उनकी जिता का। तो इस वक्त की समझना चाहिए, बिल्कुल इसी गुआना नहीं है, उनके हाथ मजबूत करो। अगर पहली मिसाल तो उनकी यही है, कांग्रेस पिछे क्यों जाए करती है? क्योंकि जिस वेले भी कोई कैंडीडेट लेना हों तो झोला भरी पैसे का लेगी जाएगी तो अपने सदर की दिता। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की और आजाद साहब की पॉलिसी है कि जेडे आखते कि जाओ ग्राउंड में देखो, लोगों कन्ने मीटिंगा करो, कौन आदमी काम करने वाला है वो मिकी दो जो काम करे। जिस तरह साड़िया कई पार्टियां टिकटा दिंदियां, हीरो की लगी दियां टिकटा मिलन, गायकों की टिकटा मिले कर दियां, तुहाडे सामने मिले कर दियां, वो काम करी सकदे न, वो लोग इन्हां रस्तां विच चली सकदे न। जम्मू शहरें च रौहने वाले यही आदास साहब की पॉलिसी है, जिहड़ा पहला हक तुसें की दित्ता, तुहाडे दरम्यान पहली मीटिंग होए करदी है कि कोई कैंडीडेट देखो जिहड़ा तुहाडा काम करे ते वो मेरे को आए, मैं उसका काम करा। यही मिसाल काफ़ी है। ये अख्तियार मलिक साहब की मदद आए, उन्हें गेंद खेली उड़ी दी है, वो खिलाड़ी ने 60 साल दे मलिक साहब ने अगे गेंद की खेडिया, तुहाडे वर्गे देखो जी कोई कैंडीडेट देखो। मलिक साहब की इन्ना भी बड़ा है कि जाओ कोई कैंडीडेट देखो, अगर मलिक साहब को ऐसा कैंडीडेट तैयार करेगी जताएगी दें देन, ये तो भी जिते जिताए देन, जा MLC बनना या राज्यसभा का मैंबर बनना, एक दे बजाय तुहाडे दो नुमाइंदे होने काम करने वाले। तो जे असी फिर सुते रहे तो साडा एक भी नहीं गया तो किहड़े मूँह तुसा जम्मू जाना। इस करी जागने की जरूरत है। इस टाइम मैं तुहाडे सारे अगे बड़ी बेनती करना, कोई जात पात नहीं दिखनी, कोई पार्टी नहीं दिखनी है, क्योंकि आजाद साहब ही ने जिहड़े ना जात पात दिखते हैं ना पार्टी दिखते हैं। कोई भी पार्टी राज नहीं करी सकती। पुराने इतिहास देखो, 6-7 हज़ार साल हो गए, उसी भी एक पार्टी की एक मजहब वाले की हुकूमत नहीं रही, हुकूमत बलदिया रुंदियां। इस वास्ते अच्छे लीडर तुहाडे कोल आए दे, इस वेले असें उनका फायदा लेना चाहिए है, आजाद साहब के हाथ मजबूत करने चाहिए न। मैं इस वेले इो चाहना जिहड़ियां कमेटियां बनानियां, तो कमेटियां का जिहड़ा मुख्तियारनामा असीं मलिक साहब की हुणे दे उड़ने आ कि तुसीं कमेटियां बनाउण दे चेयरमैन रहो और हर जगह जगह तुसीं कमेटियां बनाओ, असी तुहाडे अंडर कमेटियां का काम करने हैं। फिर ही जिस वेले साड़ियां लुआई मलार होया, डुगन होया, बनी होया, कोई कैंडीडेट दिखी सकदियां तो ठीक है, असी तुहाडे कन्ने आ, असी पब्लिक दे कन्ने आ, जिधर पब्लिक आखदी असी भी उनके कन्ने आ। जां इन्हें की तैयार करो, आदमी काम करने वाला होना चाहिए, आदमी चलने वाला होना चाहिए है। तो ये एक आजाद साहब की यही बड़ी गल है कि ये ग्राउंड परों आदमी चुकते हैं, जिहड़ा आदमी काम करने वाला है वो लोगों में जाएगी काम करे, काम अगे पुजाए। जे तुसा को हीरो देखना है, गायक देखना है, कलाकार देखना है, बड़ा को पैसे वाला देखना है, वो दे टिकटा खरीदी ही लियांदे न, पता आएगी शहर च लगता जी फलाना टिकट ले आया। जिस तरह अमरीका की टिकट लेनी होंगी है, जहाज की लेनी होंगी, जां कनेडा की लेनी होंगी है, यही अच्छी पॉलिसी है कि तुसे की तुहाडा जिहड़ा हक है वो उन्हें दिता है कि तुसी अपना कोई कैंडीडेट दिओ। तो इस वास्ते मैं मलिक साहब का बड़ा शुक्रगुजार हाँ। क्या आप घर, सड़कें, आंगन बनाना चाहते हैं शानदार? तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि प्रो बिल्डर्स लाए हैं आपके अपने इलाके बनी में अंबुजा सीमेंट से बने हुए मजबूत होलो ब्लॉक्स, चैटवर्ड टाइल, पेवर ब्लॉक्स और फेंसिंग बोर्ड। मजीद जानकारी के लिए रब्ता करें 9906736701, 9622876472।